क्लास 6 के बच्चे बड़े ही खुश थे। इस बार उन्हें पिकनिक पे पास के वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क ले जाया जा रहा था। तय दिन सभी बच्चे ढेर सारे खाने पीने के सामान और खेलने कूदने की चीजें लेकर तैयार थे। बस सुबह 4 बजे निकली और 2-3 घंटों में नेशनल पार्क पहुंच गई। वहां उन्हें एक बड़ी सी कैंटर में बैठा दिया गया और एक गाइड उन्हें जंगल के भीतर ले जाने लगा। मास्टर जी भी बच्चों के साथ थे और बीच बीच में उन्हें जंगल और वन्य जीवों के बारे में बता रहे थे। बच्चों को बहुत ही मजा आ रहा था। वे ढेर सारे हिरणों, बंदरों और जंगली पक्षियों को देखकर बहुत ही खुश हो रहे थे। वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि तभी अचानक गाइड ने सभी को शांत होने का इशारा करते हुए कहा, कृपया आप लोग बिल्कुल चुप हो जाइए और उस तरफ देखिए। यह एक दुर्लभ दृश्य है, एक मादा जिराफ अपने बच्चे को जन्म दे रही है। फिर क्या था, गाड़ी वहीं पर रोक दी गई और सभी बड़ी उत्सुकता से वह दृश्य देखने लगे। मादा जिराफ बहुत ही लंबी थी और जन्म लेते हुए बच्चा करीब 10 फुट की ऊंचाई से जमीन पर गिरा और गिरते ही अपने पांव अंदर की तरफ मोड़ लिए, मानो वो अभी भी अपनी माँ की कोख में हो। इसके बाद माँ ने सर झुकाया और बच्चे को देखने लगी। सभी लोग ये सब होते देख रहे थे कि अचानक ही कुछ आश्चर्यजनक घटना घटा। माँ ने अपने बच्चे को जोर से एक लात मारी और बच्चा अपनी जगह से पलट गया। कैंटर में बैठे बच्चे मास्टर जी से कहने लगे, सर आप उस जिराफ को रोकिए, नहीं तो वो अपने बच्चे को मार डालेगी। पर मास्टर जी ने उन्हें शांत रहने को कहा और पुनः उस तरफ देखने के लिए कहा। बच्चा अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ था कि तभी एक बार फिर माँ ने उसे जोर से लात मारी। इस बार बच्चा उठ खड़ा हुआ और डगमगा कर चलने लगा। धीरे धीरे माँ और बच्चा झाड़ियों में उझल हो गए। उनके जाते ही बच्चों ने पूछा, सर वो जिराफ अपने ही बच्चे को लात क्यों मार रही थी, अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो क्या होता। मास्टर जी बोले, बच्चों जंगल में शेर चीतों जैसे बहुत से खूंखार जानवर होते हैं। यहाँ किसी बच्चे का जीवन इसी बात पर निर्भर करता है कि वो कितनी जल्दी से अपने पैरों पर चलना सीख लेता है। अगर उसकी माँ उसे इसी तरह पड़े रहने देती और लात नहीं मारती तो शायद वो अभी भी वहीं पड़ा रहता और कोई जंगली जानवर उसे अपना शिकार बना लेता। तो प्रिय मित्रों, ठीक इसी प्रकार से आपके माता पिता भी कई बार आपको डांटते हैं, टपटते हैं, उस वक्त तो ये सब बहुत ही बुरा लगता है, पर जब आप बाद में पीछे मुड़कर देखते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा एहसास होता है कि मम्मी पापा की डांट की वजह से ही आप लाइफ में कुछ बन पाए हैं। इसीलिए कभी भी अपने बड़ों की शक्ति को दिल से ना लें, बल्कि उनके पीछे जो अपना भला करने की उनकी मंशा है उसके बारे में सोचें।